सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा थंबनेल क्यों रखा है। तो यार इस चैनल के थ्रू मैं जितना रियल बता सकूं उतना मैं कोशिश करता हूं कि रियल ही बताऊं। एंड यार इस चैनल पे मैं जो भी बताता हूं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूं। कुछ मेरे इंसिडेंट होते हैं राइट, कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस होता है वो, तो उसके बेस पे मैं बताता हूँ। सो यार अभी स्पॉन्सरशिप का क्या सीन चल रहा है यूके में? स्पॉन्सरशिप मिलनी काफ़ी टफ हुई पड़ी है, क्योंकि जो पहले सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 26-27,000 में मिल जाती थी, लेकिन अब सैलरी 37,500 एनुअल पैकेज होना चाहिए, 37,500 पाउंड्स या 38,000 पाउंड्स तो अप्रॉक्स इतना होना चाहिए। एंड जो मिलनी मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप भूल जाओगे आपको इतना पैकेज मिलने वाला है राइट। स्टार्टिंग यहाँ पे 24-25 से ही होती। सो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे यही लगता है कि स्पॉन्सरशिप जॉब्स का, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं मेन स्टूडेंट्स का मोटिव यही होता है कि स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए राइट। लेकिन अभी स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा टफ हुआ पड़ा यूके में। सो पहले क्या होता था यूके में कि जो कंपनीज होती थी राइट, वो कम सैलरी में स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप दे देती थी, इसमें उनका भी काम हो जाता था, जिसमें मतलब 24-25-26,000 पाउंड में वो सैलरी में स्पॉन्सरशिप दे देती थी राइट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल ही चेंज कर दिया है, तो अब जो कंपनीज हैं वो कम सैलरी में स्पॉन्सर कर ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम सैलरी ही 38,000 पाउंड होनी चाहिए। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं राइट। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर हो एंड आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी पढ़ाई के बाद, तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ है वो राइट। टू बी ऑनेस्ट मैं इस चैनल के थ्रू जितना रियल बता सकूं उतना कोशिश करता हूं कि रियल बताऊं। सो अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स का कि पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सिनेरियो चल रहा है। सो यार मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है राइट। अगर आपको पता हो कि मैं बर्मिंघम आया था, फिर कोवेंट्री मूव हुआ, फिर लंदन मूव हुआ, तो मुझे 3 महीने बाद जॉब मिली थी। पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ। अब मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करा था राइट। एंड जो अब बच्चे आ रहे हैं, अब काफ़ी यूट्यूब के थ्रू काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, तो मैं उनमें से कुछ का एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है मैनचेस्टर में, उसको 6-7 महीने हो चुके हैं यूके में, तो अभी तक उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली राइट। एंड एक लड़का अभी कोवेंट्री आया, उसको 3 महीने हो चुके हैं यूके में, एंड उसको अभी 10 दिन पहले 1 वीक पहले मुझे उसका कॉल आया था कि उसके टिम हॉर्टन्स में जॉब लग गई है। तो सिनेरियो बहुत टफ है पार्ट टाइम जॉब्स का राइट। आप मतलब ये मत सोच के आना कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगी। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बताया है कि 3-4 महीने का बैकअप लेके आना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में जॉब ना मिले। तो यार स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि जो जॉब आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो इंडिया पाकिस्तान जिस भी कंट्री से आ रहे हो, आपको वैसी जॉब ना मिले, तो आपको ओपन होना पड़ेगा एवरी पोजीशन के लिए। हो सकता है कि जैसी पोजीशन जैसी जॉब आप सोच रहे हो कि आप नहीं करोगे, आपको वैसी ही जॉब मिल रही है, तो स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कैसी जॉब आपको मिल सकती है राइट, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन में जाना पड़े या सिक्योरिटी की जॉब करनी पड़े। सिक्योरिटी की जॉब इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरे भी बहुत फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फिर सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाया तो उनके थ्रू उनको जॉब मिल गई, तो काफ़ी टाइम से सिक्योरिटी की जॉब्स में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको यूके में आके काम नहीं मिलता तो इस चीज़ को आप कंसिडर ज़रूर करना। सर मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है कि आप सारे पॉइंट अच्छे से रिसर्च करो, सारे पॉइंट कंसिडर करो यूके आने से पहले राइट। आप यूके आ जाओ उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रगल करो, उससे बेटर है कि सारी रिसर्च करो राइट। आपका अगर कोई रेफरेंस है यूके में, कोई फ्रेंड है, तो उनसे बात करो, उनसे जानो कि क्या करंट सिनेरियो चल रहा है राइट। अगर आप मुझसे भी कनेक्ट करना चाहते हो तो allaboutuk3@gmail.com पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो, क्योंकि मैं अभी करंट सिनेरियो में स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ परेशान होते हुए राइट, जिनको काम मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एंड अगर मैं लंदन के बाहर की सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टफ है काम मिलना। लंदन में थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि लंदन बहुत बड़ा है एंड लंदन इज़ लाइक सो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे राइट। सो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, तो लंदन सेंट्रल में काफ़ी जॉब्स हैं पार्ट टाइम जॉब्स जो स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाती हैं। मतलब इतनी इजीली भी नहीं, क्योंकि लंदन में भी कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि 2-3 महीने लग जाते हैं काम मिलते मिलते। सो यार रिवर्स माइग्रेशन बहुत जोरों शोरों से हो रही है। रिवर्स माइग्रेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मैंने राइट, तो इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड आया था, वो दिल्ली से ही था, मैं नाम नहीं बताऊँगा, 3-4 महीने यूके रहा, वो पूरी फैमिली के साथ आया था, फिर वो वापस चला गया क्योंकि यहाँ पे उसका काम नहीं बना। बहुत सारे फैक्टर थे, मन नहीं लगा राइट, उसकी फैमिली का बिल्कुल मन नहीं लगा राइट। उसको 2-3 महीने बाद पार्ट टाइम जॉब मिली,
एंड उसकी वाइफ फुल टाइम वर्क कर सकती थी स्पाउस वीज़ा पे, उसकी वाइफ को भी काम नहीं मिला। तो ये कुछ फैक्टर थे जिस वजह से उसने डिसाइड करा, 3-4 महीने बाद वो वापस चला गया। इस टॉपिक पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि आप प्रिपेयर रहो, अगर आप आ रहे हो प्रिपेयर रहो। अगर आप अभी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको आना है नहीं आना, प्रॉपर रिसर्च करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं रेफरेंस हैं उनसे बात करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको आना है या नहीं आना। एंड कुछ भी क्वेरी होती है allaboutuk@gmail.com पे पूछ सकते। बाकी जब आप यहाँ पे नए आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, राइट, जो आपको मतलब बहुत अलग लगेगा अपनी कंट्री से। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, कल्चरल डिफरेंस इज़ वन ऑफ द थिंग, राइट। कल्चर यहाँ का बहुत डिफरेंट है इंडिया का। अगर आप एशियन कंट्रीज और यूके का कल्चर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, राइट। एंड उसके बाद फूड है एक फैक्टर, एक वेदर है। सो वेदर यहाँ पे मतलब ऐसा है कि सुबह गर्मी होगी रात को ठंड हो जाएगी, और कभी कभी तो हर 5-10 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है, राइट। अभी गर्मी है, 10 मिनट बाद बारिश हो जाएगी। फिर ये मैंने बहुत वीडियोज़ में शेयर करा है, एंड मैंने बहुत वीडियोज़ ऐसी बनाई हुई हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हो एंड सोच रहे हो यूके आने के लिए, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।